मम्मी को ना ये वाला कलर पसंद आ रहा था कि ये ले ले, बुलेट जैसा लुक आ रहा है इसका। मम्मी को बुलेट बहुत पसंद है। ऊपर आएगी, आप लोग फोटोज खिंचवाइएगा, उसके बाद जाइएगा। पैशन एक्सट्रैक्ट नई वाली, और ये है स्प्लेंडर एक्सट्रैक्ट। क्या बोलूँ मैं मार्केटिंग के में कि हाँ ब्लूटूथ है, कनेक्टिविटी है, क्या यार ये बाइक तो मतलब मुझे चाहिए कैसे भी। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, और आज है 30 जून 2022, और मैं हूँ हीरो के शोरूम में। टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं, और मैं आया हूँ पापा और मम्मी के साथ अपनी बाइक लेने। काफ़ी कंफ्यूजन था स्प्लेंडर एक्सट्रैक्ट और पैशन एक्सट्रैक्ट में, लेकिन पापा ने फिर बोला कि लुक पे मत जा और माइलेज भी देखना है, मेंटेनेंस भी देखनी है। तो सारी चीज़ें देखने के बाद जो है हमने फाइनल डन करी है स्प्लेंडर एक्सट्रैक्ट का ब्राउन वाला जो कलर है। भाई लोग ये है आपका पैशन एक्सट्रैक्ट नई वाली, और ये है स्प्लेंडर एक्सट्रैक्ट। और उसका जो प्राइस हमें पड़ा वो पड़ा 90,500 रुपये, 90,800 बोल रहे थे, 300 रुपये ही कम करे हैं बस। और पैशन एक्सट्रैक्ट का जो था वो था आपका 91,800, तो 1,000 रुपये का फ़र्क था। और इसके नीचे देख रहे हैं ये गो डाउन है जहाँ पे मेरी बाइक जो है रेडी हो रही है। बारिश जैसा मौसम हो रहा है तो अच्छा हुआ आज ले लिया हमने, क्योंकि कल से 3,000 रुपये सब हीरो की गाड़ियों पे और स्पेशली एक्सट्रैक्ट वाले मॉडल पे बढ़ रहा है। ये है गो डाउन। तो भाई लोगों ये है अपनी गाड़ी, और डेट है इसमें 20 तारीख डली हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 20 जून 2022। तो 10 दिन पुराना मॉडल है, नया स्टॉक ही है। पापा वहाँ पे सारे पार्ट्स वगैरह लगवा रहे हैं, मम्मी को भी लेके आया था, मम्मी है ऊपर और इंतज़ार कर रही है। पैशन एक्सट्रैक्ट मुझे बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन पापा बोल रहे हैं कि माइलेज थोड़ा सा कम रहेगा, मेंटेनेंस ज़्यादा है, तो इसलिए स्प्लेंडर एक्सट्रैक्ट ही फाइनल डन किया है। और सिर्फ एक कलर था, ब्राउन वाला जो कलर है। पूरा 1.5 घंटे के बाद और गाड़ी का सारा काम हो चुका है। मैंने बोला है गाड़ी में पेट्रोल डाल के पहले ऊपर आएगी, आप लोग फोटोज़ खिंचवाइएगा, उसके बाद जाइएगा। और हेलमेट ही लोग दे रहे थे, जो आपका ज़मीन में पड़ा रहता ना इसमें कुछ लिखा नहीं रहता, जो 100-150 रुपये वाला आता है ऐसा लग रहा था। मैंने बोला नहीं, मुझे वो चाहिए जिस पे हीरो लिखा रहता है बड़ा बड़ा, तो उन्होंने गोडाउन से मंगवाया फिर हीरो वाला। और ये देखिए पूरा शोरूम आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, काफ़ी गाड़ियाँ हैं। मम्मी को मैं आपको दिखाता हूँ कलर कौन सा पसंद आ रहा था। मम्मी को ना ये वाला कलर पसंद आ रहा था कि ये ले ले, बुलेट जैसा लुक आ रहा है इसका। मम्मी को बुलेट बहुत पसंद है, बट मैंने लिया ये वाला। और मुझे जो पर्सनली पसंद आ रहा था वो था ये वाला। पानी जाने दो, पानी नीचे जाएगा, ऐसे ही दो टुकड़े करो, रख दो वहीं, ये इसका बीज होता है, रख दो। बीज तो पहली बार देख रहा हूँ। अरे क्या पकड़ो, ये पकड़ो। चलो हो गया, अब तुम अन्नू पहिए आगे बढ़ाओ और नींबू दोनों पीछे जाने के लिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो में, और आज है 13 जुलाई 2022। मैंने इस बाइक को परचेज़ किया था 30 जून 2022 को, एग्जैक्टली मुझे 13 दिन हो गए हैं इस बाइक को लिए हुए, और मैंने इसको 150 से ज़्यादा किलोमीटर का राइड कर लिया इस बाइक के साथ। तो मुझे एग्जैक्टली एक्सपीरियंस हो गया कि क्या चीज़ इस बाइक में अच्छी है, क्या चीज़ इसमें थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। तो आज हम उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आप इस बाइक को लेने का सोच रहे हो, क्या आपको इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर जो उससे कम दाम में सेम सीसी की बाइक्स मिल रही हैं आपको वो परचेस करने चाहिए। तो कुछ इस टाइप का बाइक में दिखेगा, और ये है इसका ब्राउन कलर। साइड से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपको वाइजर सेम है, कुछ नहीं दिखेगा, बस यहाँ पे थोड़े से ग्राफिक्स दिखेंगे ब्राउन कलर में। और यहाँ पे आपको हीरो स्प्लेंडर जो हर बाइक में दिखता है, और ये LED DRL यहाँ पे इन लोगों ने दिया है। तो वाइजर का लुक सेम है, लेकिन उसका जो साइज़ है और ये यहाँ पे जो है छेद करके लगाया गया है, तो ये चीज़ चेंज कर दी है नॉर्मल स्प्लेंडर के मुकाबले। और यहाँ पे आपको LED बल्ब नहीं मिलता है, और यहाँ पे आपको अब भी हैलोजन मिलता है, ठीक है। लेकिन जो इसका प्रॉपर लुक आ रहा है ना यहाँ पे LED DRL होने की वजह से, ये काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। बड़ा जो चेंज किया है इन लोगों ने, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें दो तार आपको दिख रहे हैं। स्प्लेंडर प्लस जितने भी आपके आते थे उसमें फ्रंट टायर से उनका रीडिंग होती थी, तो आपको 2-3 महीने के बाद उसमें बार बार आपका स्पॉकेट चेंज होता था, कभी तार चेंज करना पड़ता था। ये वाला यहाँ से तार हटा दिया है, और आप देखेंगे इंजन सेम है, इंजन में कोई बदलाव नहीं है, बट ये पैनल इसका थोड़ा उस तरफ चेंज करके, और इसका जो तार है वो आपको इंजन के अंदर से आप पिछले वाले टायर से मिलेगा। मेन चेंज ये करा है इन लोगों ने ग्राफिक्स में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3D लोगों में लिखा है हीरो,
और यहाँ पे जो कलर है इसका, ये है ब्राउन कलर। कलर ब्लैक है, बस चार्जर के लगाने के बाद इसको ब्राउन ब्लू ये करके लोग दे रहे हैं बस, और ज्यादा कुछ नहीं किया है। यहाँ पर थोड़ा काम करने की जरूरत थी, चलो कोई नहीं। और इंजन वही एग्जैक्टली सेम है, इंजन में कुछ भी परिवर्तन चेंज नहीं किया है। हाँ, बस इतना सा किया है कि वो पैनल चेंज करके, जो मैंने आपको बताया, तार चेंज कर दिया मीटर के लिए। फोर गियर बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। जो इन लोगों ने और करे हैं वो एक चेंज ये करा है कि साइड स्टैंड कट ऑफ का फीचर आपको मिल जाता है, यानी कि अगर आपका स्टैंड नीचे रहेगा तो न्यूट्रल में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, चलेगी नहीं, और गियर लगाने के बाद गाड़ी बंद हो जाएगी। दूसरा चेंज ये है कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा टिल्ट हो जाती है, शायद 45 डिग्री का एंगल, गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई दुर्घटना हो रही है और उनकी गाड़ी घसीटती हुई आगे चली गई, तो वहाँ पे गाड़ी का थ्रॉटल खुला रहता है, घूमती रहती है, वो सब नहीं होगा। तो ये सेफ्टी फीचर के लिए हीरो ने अच्छा कदम उठाया है। अब मेन बात कर लेते हैं इसके डिजिटल मीटर की, जो सबसे बड़ा चेंज है। हम ऑन करके आपको मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसको मैंने करा यहाँ पे ऑन, और ये देखो यहाँ पे हल्की सी टू की आवाज आती है, और यहाँ पे लिखा था हेलो माई हीरो मोटोकॉर्प। देख के एक रिफ्रेशिंग और काफी अच्छी फील देता है कि वाह, मतलब एकदम पल्सर वगैरह वाली फील आ रही है। लेकिन इंजन उस टाइप का नहीं है। अब आपको ऑडोमीटर मिलता है, मतलब कितना टोटल चली है। यहाँ पे एक मोड का ऑप्शन दिया गया, इसको मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। ये मैंने प्रेस किया वन, तो यहाँ पे ट्रिप ए आती है। ट्रिप बी के लिए इसको दो बार प्रेस करो, ठीक है, उसके बाद ये वापस आ जाता है। यहाँ पे आपका आ रहा है किलोमीटर पर लीटर और एवरेज, तो इसका मतलब ये कितनी इसकी स्पीड चल रही है, उस हिसाब से कितना इसका माइलेज बन सकता है। प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल में थोड़ा उससे कम आता है, लेकिन हाँ, काम चल जाएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि तेज चलाएंगे तो कितना मिल रहा है, कम चलाएंगे तो कितना मिल रहा है। और यहाँ पे ये क्रोम की फिनिशिंग दी गई है, क्रोम का वर्क किया गया है। अलावा ये यहाँ पे आपको काफी सारे इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। FI सिस्टम है। FI सिस्टम के बारे में जो मैकेनिक ने मेरे को शोरूम में बोला था कि FI सिस्टम जब आप ऑन करेंगे इग्निशन तो आपका लाइट जलेगी, जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे गाड़ी को ये लाइट बंद हो जानी चाहिए। अगर ये लाइट बंद नहीं होती है, इसका मतलब है कि आपके गाड़ी में कोई दिक्कत है, तुरंत आपको शोरूम पे लेके आनी है गाड़ी। अब दो चीजें मुझे सबसे बड़ी इसमें दिक्कत लगी है। पहली तो ये यार कि ये जो आप देते हैं, मैं फिर से दिखाता हूँ, ये जो आप देते हैं ये ब्लूटूथ वगैरह और ये कॉलिंग का, तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ यूज़ नहीं है, सिर्फ ये मार्केटिंग गेमिंग का है। दूसरा, ये मोड का जो बटन है ना, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो बार बार अगर आप इसको डेली बेस पे बहुत बार यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है ये बाद में प्रेस सही से ना हो, तो इसलिए मैं तो इतना यूज़ करता नहीं। और एक बार मैं आपको इसका साउंड भी सुना देता हूँ कि साउंड कैसा है। ये मैंने किया इसका स्टार्ट, एक तो इतनी महंगी और ओवर प्राइस गाड़ी दे रहे हो, क्योंकि एक्टिवा और स्प्लेंडर नाम से बिकती हैं, तो उनका लगता है जितना चार्ज करना है उतना चार्ज कर लो, इतना एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं 100 CC इंजन के लिए, चलो कोई बात नहीं, गाड़ी बढ़िया है तो सब कोई लेगा ही लेगा, सबको पता है। लेकिन उसमें अगर डिजिटल मीटर आप दे रहे हो तो 30-40-50 रुपए का IC आता है, IC लगा के टाइम लगवा देते, मतलब टाइम दे देते डिजिटल मीटर के अंदर, वो भी नहीं है। उसके अलावा चलो गियर पोजीशन तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता 100 CC में, लेकिन हाँ टाइम तो, अब ब्लूटूथ दे दिया तो ब्लूटूथ कनेक्ट करके कॉल किसकी आ रही ये मुझे पता चल जाएगा, लेकिन मुझे अगर टाइम देखना है तो मुझे फ़ोन जेब में से निकालना पड़ेगा। तो ये तो मतलब क्या बोलूँ मैं, मार्केटिंग के में कि हाँ ब्लूटूथ है, कनेक्टिविटी क्या यूज़ होगा उस कनेक्टिविटी का, जब मुझे टाइम देखने के लिए फ़ोन निकालना पड़ेगा। तो ये हीरो ने यहाँ पे सही में काम नहीं किया। और हाँ, इसका इंटेंशन ये हो सकता है कि अगले साल या एक दो साल बाद क्या करेंगे, एक्सटेक प्लस या कुछ ऐसे करके दे देंगे मॉडल, उसमें आगे डिस्प्रेक लगा देंगे, टाइम दे देंगे और आपका गियर पोजीशन दे देंगे और एक दो चेंज ऑर्डर कर देंगे और इंजन शायद 110 CC कर दें, हो गई आपकी गाड़ी 1,05,000 रुपये की वगैरह सब कुछ लगा के दिया है। बैग पहले एक मेरे को फटा हुआ बैग सा दे रहे थे, मैंने कहा कि ये कैसा फटा हुआ है, तो दूसरा चेंज करके दिया है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैं कहीं से भी इसको ये पकड़ रहा हूँ ना, मैंने ये इसको यहाँ पे पिंच किया ऐसे किया, ठीक है, ये इस तरफ का मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने ये इसको यहाँ पे प्रेस किया, या कहीं से भी आप इसको प्रेस कर लो, कहीं से प्रेस कर लो, तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी ये रहा वाइजर, इसको यूं कर लेता हूँ प्रेस, ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइट ऐसे यूं करके पकड़ो ना तो ये वाइजर वगैरह सब टूट जाएगा। तो इसकी बॉडी ऐसी है ना कि इसको आप 2-3 बार पकड़ लो या रफली यूज कर लो, ऐसा लगेगा कि बॉडी इसकी गई, मतलब कुछ दमी नहीं है। इस मामले में थोड़ा सा मुझे एक्टिवा बेटर लगती है, शायद मैं एक्टिवा लोहे वाली इतने टाइम से चला रहा हूँ, समझ रहे हो ना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको माइलेज और रीसेल चाहिए ये गाड़ी बेस्ट है, थोड़ा प्राइस ज़्यादा है लेकिन हाँ रीसेल वैल्यू तो देखो कि अगर TVS की स्पोर्ट्स ले लोगे या कोई और प्लेटिनम ले लोगे तो इतना कोई रीसेल वैल्यू है नहीं इसको, कोई पूछता भी नहीं, चीज़ आपको ही पता है। तो हीरो का मार्केट अच्छा है, स्पेयर पार्ट्स हर जगह मिल जाते हैं, हीरो उठा लो। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि आपको पावर भी चाहिए गाड़ी में, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, और आपको रीसेल वैल्यू वगैरह से इतना मतलब नहीं है, तो आप कोई और हीरो की या किसी और टाइप की गाड़ी आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसके आगे का पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि 5-6 साल पहले शायद सोचा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा अपने पैसों की जब बाइक खरीदूंगा,
तो उसमें मैं ज़रूर डालूंगा सारी इन्फॉर्मेशन। तो मेरी मेमोरी के लिए अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो कुछ 2007 या शायद 8 की बात है जितना मुझे याद आ रहा है। और मैं मम्मी के साथ अपने रहता था मौसी के घर में, मतलब मौसी के कज़न्स और मौसा जी उनके साथ मैं रहता था। और मेरे जो पापा हैं वो आगरा में जॉब करते थे, ठीक है। अब उसके बाद मैं उस समय था एग्जैक्टली मुझे याद है 4th क्लास में। तो पापा ने फिर अपना जॉब छोड़ दिया और वो मेरी सिटी में, मतलब हमारे सिटी में आ गए मुरादाबाद में, और अपना बिज़नेस स्टार्ट करा। तो उसके बाद उन्होंने अपना, हम लोगों ने अपना घर ले लिया और हम एक जॉइंट सेटअप से न्यूक्लियर सेटअप में चले गए। जो मेरा नया घर था वो साउथ पोल में था मेरे सिटी के, और मैं जो मौसी के साथ रहता था और जो मेरी पहले स्कूलिंग थी वो थी मेरे एक तरीके से दूसरे पोल में। तो अब मैं उस समय 4th क्लास में था, बीच में तो एकदम कॉलेज स्कूल चेंज होता नहीं है। तो मैं क्या करता था, जो नया वाला घर था वहाँ से बहुत दूर था, 20 से 25 किलोमीटर दूर था। तो अब रोज़ रोज़ पापा और मम्मी कैसे लेने जाएँ, तो उन्होंने मुझे सिखा दिया कि बेटा ऐसे ऑटो होता है, इसमें बैठ के ऐसे ऐसे पैसे देने होते हैं, आप पैसे करना। मैं और मम्मी का यह था कि ऑटो से मुझे बिठाती थी और ऑटो में लेने मुझे आ जाती थी जहाँ पे ऑटो छोड़ता है। अब उस समय जो CNG चलते हैं, तो पीले वाले ऑटो दिल्ली में चलते हैं, वैसे इतने नहीं चलते थे। उस समय जो हरे वाले होते हैं, विक्रम बोलते हैं हम उनको यहाँ पे, वो ऑटो चलते थे। अब एक बार क्या हुआ कि मुझे मम्मी देती थी 20 रुपये किराया, उस समय चलता था 3 से 4 रुपये किराया चलता था एक तरफ का। तो अब मम्मी ने मेरे को 20 रुपये दिए कि बेटा ये 10 रुपये किराए को जाएगा, 10 रुपये कुछ खाना हो या कुछ रखना हो तो उसके लिए है। मैंने क्या किया उस दिन, मैंने खा लिया 15 रुपये का सामान खा लिया, 5 रुपये मेरे पास थे पहले से। मैं वापस जब आ रहा था ना ऑटो से, तो विक्रम में बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि किराया बढ़ गया है, 5 रुपये हो गया और मेरे पास से 3 रुपये। तो मैंने कहा नहीं 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 बढ़ा है, 3 रुपये हुए हैं। अब मैं 4th क्लास में इतना सा होता है बच्चा, कितना होता है, 7-8 साल का होता होगा शायद, या 10-12 साल का, याद भी नहीं मुझे। तो उसने क्या किया, उसने मेरे जेब में हाथ डाल दिया और मैं डर गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और गाली बकना स्टार्ट कर दिया मेरे को, और मेरा हाथ लेके यूं करके ऐसे मोड़ दिया, और मैं हाथ छुड़ा के मैं पीछे भाग रहा हूँ। मम्मी जैसे दूर वहाँ देख रही है कि मम्मी मुझे लेने आती थी, तो मम्मी मुझे देख रही है वहाँ से कि अरे क्या हो रहा है इसके साथ, और मेरे एकदम रोने से शक्ल हो गई कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद उसने कहा कि पैसे नहीं तो बैठते क्यों, यूँ करके, और बच्चा छोटा सा है क्या कर लेगा। तो बाकी सबने बोला अरे हाथ बात मत मोड़ो इसका और जाने दो इसको। तो मैं उस समय फिर उस चला गया आगे वो ऑटो लेके, मैं रोने लगा, मम्मी भागते उधर से आई। फिर मम्मी ने पापा को फ़ोन किया कि वो ऐसे ऐसे ऑटो गया है और उसको देख लो। अब इस बात का मैं मतलब बताता हूँ क्या हुआ। फिर 5th क्लास से मेरे को आदत हो गई, मैंने अपना कॉलेज चेंज करके, मम्मी पापा ने ICSE बोर्ड से, मैं स्टार्टिंग में था तो ICSE बोर्ड में मेरे को डलवा दिया, और जो मुरादाबाद का सबसे बेस्ट था उसमें डलवाया। ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि मुझे लगता है एजुकेशन हर जगह सेम है, लेकिन खैर डलवा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ ना, 5th से लेके 8th से 9th क्लास तक मैं काफ़ी अच्छे से अपना जाता ऑटो से, अपना ऑटो से आता, ठीक है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। 9th क्लास में आप लोगों का, क्योंकि मैंने PCM लिया था, ट्यूशन वगैरह स्टार्ट हुए। अब ट्यूशन के बाद ये हुआ कि उस समय साइकिलिंग करना या साइकिल से आना, साइकिल करना बहुत एक बड़ी बात होती थी। तो क्या हुआ ना कि 9th क्लास से लोग साइकिल से आते थे, और मैं वहाँ से ऑटो से उतर के फिर कभी मिनी मेट्रो पकड़ के, कभी दूसरा एक ऑटो पकड़ के पहुँच रहा हूँ वहाँ पे, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10th क्लास में ऐसा हुआ कि साइकिल से लोग स्विच करके ना, लड़के लड़कियाँ पूरा बैच आता है 50-60 बच्चों का, वो सब अपना स्कूटी से आ रहे हैं। अब मैं ऐसा हूँ कि मैं अकेला टेम्पो से उतर रहा हूँ वहाँ पे, और उसके बाद मैं बैग टांग के वहाँ साइकिल से उसे आ रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, कभी किसी की साइकिल पे बैठ के जा रहा हूँ। तो एक तरीके से ऐसा होता है ना कि लोग कैसे देखते हैं कि यार ये रोज़ ऐसे ही आता है, मतलब एक वो फील, मतलब लोगों की आँखों में देखा मैंने, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि यार ये अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने फिर मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। उस समय ये सिगरेट दारू ये सब बहुत चलता था, अब भी चलता है, लेकिन उस समय था कि लोग नया नया इंटरनेट आना स्टार्ट हुआ था, फेसबुक चलना, नोकिया कीपैड वाला क्वालिटी वाला जो फ़ोन है ना, याद नहीं आ रहा नाम क्या है उसका, वो चलना, फेसबुक चलना, बात करना, ये सब करना बहुत ज़्यादा फेमस होता था। मैंने बोला, कहती है नहीं बिगड़ जाएगा, और जितना ऑटो किराया जाता है उससे तो कम ही बाइक का खर्चा होगा, बाद में दिला देंगे ऐसे करके। तो वहाँ तक फिर मैं 11th तक आया। फिर 12th में तो ऐसी ही वो हो गई थी कि अगर जैसे एक बार क्या हुआ ना, एक लड़की जा रही थी मेरी क्लास की थी, सुनसान सड़क थी, कोई नहीं था, जैसे ये सुनसान सड़क है मैं जा रहा हूँ, उधर से वो आ रही है, तो उसने जो एक होता है ना अजीब सी निगाहों से देखना कि यार ये मतलब पैदल ही जाता रहता है। तो लोगों के लिए सिंपल बाइक होती है कि अपना उनका आने जाने का साधन है, लेकिन मेरे लिए बाइक का एक ऐसा महत्व हो गया था ना 11th 12th क्लास में कि यार ये बाइक तो मतलब मुझे चाहिए कैसे भी करके। कुछ नहीं हुआ उसके बाद, फिर 12th के बाद मैं अपना 12th तक के जितने भी मेरे के स्कूल वगैरह थे, कुछ लोग अच्छे मिले, लेकिन सब वही टॉक्सिक होते हैं कि माँ बाप का फालतू पैसा है, बुलेट वगैरह लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें करते हैं कि फालतू पैसा क्या, आपको सोचे जिसके घर में बुलेट होगी या कार होगी, उसको तो एक तरीके से अपब्रिंगिंग उसकी टाइप की हुई है कि उसको उसकी वैल्यू नहीं पता, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ यह है कि उसको कभी कदर होती ही नहीं है और बिगड़ जाते हैं ऐसे लोग, 90% केसेस में ऐसी होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मैं देखता हूँ जहाँ पे भी मैं हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप ने मेरे साथ अच्छा किया कि मुझे नहीं दिलवाया, वरना मैं भी कहीं ऐसे कुछ करके, मेरे को, मैंने आज स्प्लेंडर खुद लिया तो मुझे उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, 5 मिनट, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी देखने कौन वाला है, मैं ही देखूँगा इसको।
उसके बाद मैंने घर में काफ़ी बार इस बात को लेकर लड़ाई भी करी कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। तो फिर काफ़ी एक बार लंबा डिस्कशन हुआ, पापा ने बोला कि ठीक है अब स्कूटी तू ले जा सकता है, ठीक है। तो स्कूटी मेरे को दे दी, हाँ मतलब मेरी अपनी नहीं थी, पापा की थी। तो मुझे फिर तब तक मेरे दिमाग में घुस गया था कि यार नहीं, अपनी जो होती है ना उसकी बात अलग होती है। 9th 10th क्लास में एक तो ब्रेन वॉश बच्चों का बहुत जल्दी हो जाता है, तो और पेरेंट्स से बताने क्यों नफरत, या नफरत तो नहीं बोलूँगा, पेरेंट्स के और अपने थॉट्स मिलते नहीं है। काफ़ी लोगों के साथ होता है, अगर कोई 9th 10th क्लास में होगा तो समझ पा रहे होगे मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। फिर जब कॉलेज वगैरह हो जाता है, जॉब आप करना स्टार्ट करते हो, तो पता चलता है कि हाँ पेरेंट्स की थिंकिंग काफ़ी हद तक सही थी, वो लोग सही सोच रहे थे और उन्होंने हमारा सही सोचा। लेकिन 9th 10th क्लास में पेरेंट्स से और अपना जो थॉट मैचिंग होती है कि उनकी आइडियोलॉजी कुछ और है, हमारी कुछ और है, वो मैच नहीं करती हूँ। लगता है कि यार पेरेंट को कुछ नहीं पता, हमें पता, जबकि वो गलत होता है। तो उन्होंने मेरे को अपना एक्टिवा दे दिया और मुझे फिर ये था कि नहीं यार मैं एक्टिवा भी नहीं लूँगा। तो मैंने फिर एक्टिवा भी बेसिक काम के लिए यूज़ किया हुआ। उसके बाद फिर 12th तक तो काफ़ी ऐसे टॉक्सिक और बेकार से लोग मिले, कुछ उसमें से अच्छे लोग मिले जो मतलब जेन्युइन आज भी साथ हैं ज़िंदगी में। उसके बाद मैंने अपना BBA में स्विच किया, तो BBA में मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैंने तब तक थोड़ा बाइक चलाना सीख लिया था दोस्त वगैरह लेके, दोस्तों से लेके। और जो मेरे कॉलेज के दोस्त मुझे मिले वो काफ़ी मतलब अच्छे थे, ऐसा नहीं कि वो भी कुछ अपना उनके पास बुलेट नहीं है या नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें कदर थी कि हाँ बाइक की है कदर, और किसी को भी नीचे निगाह से नहीं देखना। तो BBA मेरा अच्छे से हुआ, फिर MBA मेरा अच्छे से हुआ। उसके बाद मैं मात्र कहने का मेरा मतलब ये है कि ये बाइक नहीं है, ये एक वो है कि जो लोगों ने मेरे को नीचे निगाहों से देखा उस टाइम, और अच्छे से याद है किस किस ने देखा स्कूल वालों में, क्या क्या लोग सोचते थे मुझे अब भी याद है। तो वो मुझे वो मेरे दिमाग में ना कीड़ा घुस गया था एक फाइनल, जितना अगर कोई देख भी रहा है तो देखो भाई ये मतलब है कि जो भी तुम्हारे पास बाइक है, या मुझे पता है हर आदमी को लग्जरी चाहिए होती है, किसी के पास होती है किसी को चाहिए होती है, ठीक है, जिसके पास होती है उसको उससे बढ़ के कुछ चाहिए उसकी लाइफ में, और कोई दिक्कत है। तो ये है कि अपनी मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। चाहे तुमने 10 की उम्मीद करी होगी कि 10 मिले, लेकिन 10 नहीं तो 5 या 6 तो ज़रूर मिल जाएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। मेरा नाम है अर्जित, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इसी के साथ ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपना ध्यान रखें, अपने सपने पूरे करें, क्योंकि सपने पूरे करते हैं तो फल ये मिल जाता है आपको। गुड बाय एंड सायोनारा।